तेरे को पता लगा ना खौफ किसे बोलते हैं। तूने शिवानी कुमारी का मजाक उड़ाया। तो सांप के जहर के सौदागर, तू सांपों का जहर बेच बेच के अपना घर चला रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहा। मेरे पास 300 बकरे है। ये इतिहास याद रखेगा, जैसे मुनव्वर फारूकी तो याद है ना क्या हुआ था तेलंगाना में। तो उस पर हाँ, तो आपने कुछ वीडियो देखी लिया जो कि मैं आपको पूरे वीडियो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक बार फिर थाना भाई जोगिंदर इलविश यादव में भड़के और साथ ही साथ उनके दोस्त पुनीत सुपरस्टार ने भी कई सारे लगातार वीडियो बनाते हुए इलविश यादव को टारगेट किया और क्या बोला मैं आपको सारे वीडियो दिखाने वाला हूँ और पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खास इन्फॉर्मेशन जान लीजिए राजा सिंह की, क्योंकि राजा सिंह ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी स्टैंड अप कॉमेडियन को और ये बोला कि जैसा हमने मुनव्वर फारूकी के साथ किया था हम वो ऐसा तेरे साथ करेंगे, इतिहास याद रखेंगे। आप क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फटाफट दे देता हूँ। जैसा कि आप सभी राजा सिंह को जानते होंगे जो कि हैदराबाद के रहने वाले, कई बार वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और कई बार जेल में भी जा चुके हैं, कई बार उनकी बीजेपी ने डायरेक्ट उनको सस्पेंड भी कर दिया, शायद आप सभी को पता होगा। और मुनव्वर फारूकी के साथ किस तरह उनकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी वो भी आप सभी को पता होगा। लेकिन ऐसे में भी हाल ही के अंदर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को दी धमकी, जिनका नाम है डेनियल, जिन्होंने एक स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए एक जोक मारा था जहाँ पे जैन समाज ने बकरीद के टाइम पे कई सारे बकरे खरीद लिए थे और उनको सेव कर लिया था, उसी पर उन्होंने जोक मारा था। तो आप सबसे पहले देख लीजिए किस तरह उन्होंने जोक मारा था और उस पर राजा सिंह किस तरह से भड़के और किस तरह से धमकी दी मुनव्वर फारूकी का नाम लेके। लेकिन आप ये डेनियल का ये वीडियो देख लीजिए। हेलो सलीम भाई, ईद कब है? मेरे पास 300 बकरे है। हाँ, तो आपने वीडियो देखी लाऊंगा, बस ये वाली वीडियो को लेके राजा सिंह जम के भड़के और क्या क्या बोला, आप सबसे पहले राजा सिंह का भी वीडियो देख लीजिए। ये दिन पहले डेनियल नाम का एक घटिया कॉमेडियन है, उसने जैन समाज के ऊपर बहुत ही घटिया कॉमेडी की है। बकरीद के संदर्भ में जैन समाज बकरे खरीद रहे हैं, 150 बकरे उन्होंने खरीदे हैं, अगर उनकी संख्या 300 हो जाएगी तो फिर यही जैन समाज के लोग किसी मुस्लिम्स को फोन करके पूछेंगे कि बकरीद कब है, हमें बेचना है। तो उस डेनियल को कहना चाहूंगा कि आज तेरा बंजारेल में कार्यक्रम है ना बेटा, 4 बजे कैंसल कर ले, मैं तो बेटा वहां आकर तेरे को इतने कार्यकर्ता लगाएंगे, याद रखना कभी तेलंगाना हैदराबाद में आने के लिए 50 बार सोचना। और पुलिस कमिश्नर से निवेदन है कि तुरंत इस कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, नहीं तो इसका जो हाल हम करेंगे इतिहास याद रखेगा कि फिर कोई ना जैन समाज के ऊपर ना किसी हमारे हिंदू धर्म पर कॉमेडियन यानी कॉमेडी करने वालों का हम क्या हाल करते हैं, ये इतिहास याद रखेगा। जैसे मुनव्वर फारूकी तो याद है ना क्या हुआ था तेलंगाना में, तो उस प्रकार का माहौल ना बने, इसलिए डेनियल का जो कार्यक्रम है बंजारेल में 4 बजे तुरंत इसका कार्यक्रम कैंसिल करें, अगर वातावरण खराब होगा तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की रहेगी, हम तो तैयार है, धन्यवाद। हाँ, तो आपने राजा सिंह का भी वीडियो देखा जहाँ पे राजा सिंह ने साफ क्लियर बोला कि जैसा हमने मुनव्वर फारूकी के साथ किया था वैसा तेरे साथ करेंगे, इतिहास याद रखेगा। तो इस पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, तो ये थी पहली इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसी में दूसरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, थारा भाई जोगिंदर पुनीत सुपरस्टार लगातार इलविश यादव को टारगेट करते हुए कई सारे वीडियो बना रहे, जहाँ पे इलविश यादव ने एक वीडियो के अंदर शिवानी कुमारी को कुछ बोला था कि एडिटिंग करती है, इसको बिग बॉस में कैसे ले गया, बहुत सारी बातें करी थी, बस वो चीज़ को लेकर पहले थारा भाई जोगिंदर ने वीडियो बनाया था, फिर उसका रिप्ले देते हुए इलविश यादव ने कुछ बोला जो कि मैंने आपको मेरी पिछले वीडियो के अंदर बताया। लेकिन ऐसे में आप सुधा दूँ, अब थारा भाई जोगिंदर का और पुनीत सुपरस्टार लगातार वीडियो बनाते हुए क्या बोल रहे, आप सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए उनके कुछ वीडियो। अलवेज तेरे को डर लगाना, तेरे को पता लगाना खौफ किसे बोलते हैं, तूने शिवानी कुमारी का मजाक उड़ाया, तूने इसको गवार बोला, तूने ये भी बोला कि इसको शो के अंदर कौन लेकर आया, अब तू वीडियो बनाता है मेरे ऊपर ये वाली बात बोलता है कि जोगिंदर जानबूझ के हेट पैदा कर रहा है मेरे लिए। अबे हिंदुस्तान के भाइयों को एक बात बोलना चाहता हूं, तुम डरते हो क्या इससे? क्या ये अलवेज, इसका एक चेला बैठा हुआ है बिग बॉस के अंदर, इसने दिन रात एक क्यूएस को जिताने के लिए, पर जब तक थारा भाई जोगिंदर बाहर बैठा है ना, तेरा चेला नहीं जीत पाएगा बिग बॉस, याद रखना अच्छे से। और शिवानी कुमारी के जितने भी फैन हैं, यही वक्त है इसको मुंह तोड़ जवाब दो, इसको बता दो कि तुम लोगों के अंदर कितनी पावर है, तुम लोगों ने अलवेज यादव को बनाया है, अलवेज ने तुम्हें नहीं बनाया, इसने आज शिवानी कुमारी का मजाक उड़ाया, कल को ये किसी और का मजाक उड़ाएगा, कुछ नहीं है इसका सिस्टम पिस्टम, सब फ्लॉप है, ये चेले लेके घूमता है साथ में। और थोड़ा इन चेलों को बता देना अगली बार सोच समझ के किसी का मजाक उड़ाए, ये तेरी गाड़ी और तेरा फ्लैट साफ करते हुए अच्छे लगते हैं, और इनको टाइम से खाना दिया कर, समझ गया, फालतू की बातें मत किया कर यहां पर आकर।
इस बार तेरा सिस्टम फ्लोप मैं ही करूंगा, याद रखना। जय श्री राम। तो मेरे दोस्तों, एलविश यादव ने शिवानी कुमारी को गांव की ओर गंवार बताया और यह भी बताया कि ये ओवर एक्टिंग कर रही है। इसी के साथ जो है थाराबाई जोगिंदर ने सपोर्ट करते हुए शिवानी कुमारी को जो है एलविश यादव के खिलाफ जो है वीडियो डाल दिया। थोड़ी देर पहले मेरे पे थाराबाई जोगिंदर मुझे फोन करके बोलता है कि भाई जो है एलविश यादव के जो है भाड़े के टट्टू ढूंढ रहे हैं इसको मारने के लिए, जोगिंदर को। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट में बताना क्या इस वीडियो में कितनी सच्चाई है। बेटा अब आएगा गेम में असली मजा, क्योंकि शिवानी कुमारी के पीछे खड़ा है थाराबाई जोगिंदर और एलविश के पीछे खड़ा है लव कटारिया उसका मैनेजर। और सॉरी, लव कटारिया मैनेजर नहीं, लव कटारिया के पीछे एलविश खड़ा है। अब आएगा गेम में असली मजा। तो सांप के जहर के सौदागर, तू सांपों का जहर बेच बेच के अपना घर चला रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहा है और एक गरीब लड़की अपना कंटेंट दे रही है बिग बॉस में, तो तू उसको ट्रोल कर रहा है। इसकी आवाज पसंद नहीं है, ये गांव की लड़की है, इसकी आवाज इरिटेट करती है। अबे तेरे से अच्छा कंटेंट दे रही है ये। एक बार मेरे दोस्तों इसकी वीडियो देखो, ये शिवानी कुमारी के लिए क्या बोल रहा है, वीडियो देखो गांव की लड़की के लिए। भाई शिवानी कुमारी, मैं बिग बॉस का बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उसको आज कैमरा फुटेज कम मिली। भाई साहब, हर वॉइस इज वेरी इरिटेटिंग। भाई जिसको भी बुरा लगता हो लग जाए, हम है सच्चे आदमी, बहुत कान में चुभती है आवाज। भाई शिवानी कुमारी बन के आई है, वैसी आवाज निकालियो, ठीक है। अरे भैया क्या करते हो तुम? नहीं, मैं YouTube पे वीडियो बनाता हूँ। और बेटा सुन, गांव के लोगों को कभी धुतकारियो मत, क्योंकि ये गांव वाले ही अनाज उगाते हैं और ये गांव वाले ही और ये किसानी पेड़ उगाते हैं, जिनकी वजह से तू अच्छी हवा खा रहा है शहर में बैठा हुआ। और तू कौन सा अमेरिका में पैदा हुआ था, तू भी ये गांव में पैदा हुआ है, एक बात ध्यान रखियो। और गांव के लोगों को कभी गलत मत बोलियो। हाँ, तो आपने थाराबाई जोगिंदर पुलिस सुपरस्टार की कुछ वीडियो दिख लेंगे जहाँ पे वो लगातार एलविश यादव को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपसे बता दूँ, इस पर एलविश यादव का रिप्ले आना बाकी है। कल एलविश यादव अपने व्लॉग के अंदर रिप्ले देते या नहीं देते, मैं आपको मेरे चैनल पर बता दूंगा। अगर देंगे तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर पता लगाएंगे इनका क्या रिप्ले दिए पुनीत सुपरस्टार और थाराबाई जोगिंदर का डबल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। और ये वाली कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या बोलना है, क्या एलविश यादव ने शिवानी कुमारी जी को ऐसा बोलना चाहिए देंगे बोलना चाहते, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।